What's up and welcome back to my channel. Dear love you, this is Sinha and how you all are doing? So guys, first festive season aa raha hai and we all are doing lots of purchase. So for that only maine ye video banayi hai and which is from Meesho. Isme maine purchase kiye kuch dresses from Meesho kyunki mujhe bahut sare aise comment aaye jisme log chahte hai ki main Meesho se kuch cheeze purchase karu aur un cheezon ko unpack karu aap logo ke samne taki aap logo ko pata chale ki jo quality aati hai kyunki bahut se logo ki aise complain hai ki Meesho se jo quality aati hai wo achhi nahi aati hai and kuch log है कि नहीं दे गिव रियली गुड प्रोडक्ट. सो फर्स्ट मीशो पर बहुत सारे सेलर है तो सेलर टू सेलर भी डिपेंड करता है एंड टुडे वी आर गोना सी कि जो भी मैंने चीज़ें मंगाई है उसका जो प्राइस के अकॉर्डिंगली वो वर्थ है या नहीं है. तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो बिना ना जाए एंड अगर आप मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये है वो आइटम जो मैंने मीशो से मंगाया है और इसमें एक में है दो कुर्ते एंड वन इज सिंगल वन क्योंकि एज पर देम जो उन्होंने मेंशन किया था उन्होंने उसी टाइम पे डिलीवर किया है. सो आई प्लेसिंग द ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं कि डिलीवरी डेट क्या है. हो सकता है उस डिलीवरी डेट से वन टू डेज बिफोर भी आ जाए और सेम डे आपको मिले. तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ उनकी जो पैकिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है. यहाँ पे मैंने दो कुर्ते मंगाए हैं जिनकी डिटेल उन्होंने दी है विद फोटो. तो फोटो भी दे विल गिव यू कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है वो सेम प्रोडक्ट है या नहीं है. और इन दोनों कुर्तों का जो मुझे प्राइस पड़ा है वो 795 में मुझे ये दो कुर्ते मिले हैं जिनके साथ प्लाजो भी है. सो हम इसे फर्स्ट ओपन करें. तो ये है वो पहला कुर्ता जो मैंने मंगाया है मीशो से विच इज़ रेड कलर क्योंकि आज ये दिवाली करवा चौथ बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं जिसमें आपको ये रेड कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. और इसकी ये कुछ दिखता है इस तरीके से. सो जो साइज मैंने मंगाया गया वो है स्मॉल साइज एंड यू कैन सी. तो यहाँ पे आपको फुल डिज़ाइन मिलेगा एंड यू विल गेट द डिज़ाइन हियर आल्सो. मतलब ये आपको पट्टी मिलेगी यहाँ पे विच विल enhance your kurta look. अभी हम इसे पहन के भी ट्राई करेंगे क्योंकि जो स्मॉल साइज मैंने बोला सो आई एम फाइंडिंग इट थोड़ा सा ज़्यादा ही नहीं लग रहा है. स्मॉल नहीं लग रहा है मुझे देखने में तो बट इसमें लिखा है स्मॉल ही है. सो लेट्स चेक फर्स्ट कुर्ता. आई विल से कि ओके कुर्ता मुझे ठीक लगा है. ऐसा कोई क्वालिटी इश्यूज नहीं लग रही है मुझे इस कुर्ते में एंड द पैटर्न इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल. साइज का प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए विल चेक एंड यू विल गेट दिस प्लाजो. सो प्लाजो का जो फैब्रिक है गाइस वो सॉफ्ट है मतलब इट इज कम्फर्टेबल एंड अगेन आप देख सकते हैं स्मॉल साइज है एंड दैट्स हाउ यू विल गेट इन बॉटम. तो ऐसा ये कुर्ता आया है जिसको मैं पहनने के बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी कि कितना प्लाजोस मेरे कंफर्टेबल जो मैं आपको अभी बता सकती हूँ. बट फिट इश्यू मुझे थोड़ा इसमें लग रहा है स्मॉल साइज को लेके. सो विल चेक एंड विल सी. थोड़े कलर मैंने मंगाए हैं डार्क टाइप के क्योंकि एज आई टोल्ड यू फेस्टिव सीजन है थोड़ा सा डार्क कलर अगर हम पहनते हैं देन इट विल लुक गुड. सो ये है कुछ ग्रीन कलर का जिस पर रेड कलर के इस तरीके के पैटर्न बने हैं एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे सीसे भी लगे हुए हैं. सो आई एम फाइंडिंग ब्यूटीफुल मतलब कि मुझे ये अच्छा लगा इवन आप क्वालिटी कपड़ों दोनों कपड़ों की क्वालिटी क्वाइट गुड. ओनली फिट वी हैव टू चेक कि कैसा है एंड इट इज़ मेड इन इंडिया. कुर्ता इज गुड. प्लाजो का जो कलर है वो है रेड कलर एंड रेड कलर में आपको अगेन दिस टाइप फ्लेयर वाले थोड़े से प्लाजो मैंने मंगाए हैं सो दैट इट विल लुक गुड. थोड़ा हमेशा चेंज करते रहना चाहिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस इफ यू विल ट्राई देन वो आपको एक अलग डिफरेंट लुक देता है. अदरवाइज क्या होता है आप एक ही स्टाइल में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाते हैं. तो दोनों परचेज हैं विच इज 795 रुपीज में ओनली एंड हम इससे जा रहे हैं ट्राई करने. थर्ड कुर्ता मैंने मंगाया है वो है चिकनकारी ही बोलते हैं करेक्ट मे फ्रॉम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. तो ये है चिकनकारी कुर्ता जो कि मुझे पड़ा है 570 रुपीज़ में. अगेन इसका फोटो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है
एंड अगेन द साइज जो मैंने मंगाया वो मंगाया मैंने स्मॉल, तो जो इसका साइज है वो है स्मॉल एंड ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे लिखा है 36। द फैब्रिक इज गुड सॉफ्ट एंड इट इज नॉट लाइक वेरी हार्ड, क्योंकि आप इसे अंदर से पहनेंगे तो शुड बी कम्फर्टेबल। ये मुझे ठीक लगा। अगेन द फिट वी विल चेक व्हाइल वेयर। इसकी कढ़ाई है वो तो मुझे अच्छी लगी, नीट एंड क्लीन है, ऐसा कुछ ज़्यादा थ्रेड व्रेड निकला नहीं है। थोड़ी सी स्लीव्स में थ्रेड निकला है जो कि आप खुद से रिमूव कर सकते हैं सीजों की हेल्प से। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे, अदरवाइज इट इज गुड। So it is looking good. We'll try कि how it is looking. कुर्ता पसंद आया है वो है ये ग्रीन कलर कुर्ता, क्योंकि इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड ये थोड़ा सा लूज है बट ये कॉटन है, तो आफ्टर वॉश क्या होगा ये थोड़ी सी जो होते हैं कपड़ा इसका सिकुड़ता है, तो मुझे लग रहा है कि अभी से इसकी फिटिंग अच्छी दिख रही है। कलर इज लुकिंग रियली नाइस और इसका जो प्लाजो है इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। सो आई विल टेल यू माई हाइट इज 153 सेंटीमीटर, तो अगर आपकी हाइट सेम है और जो मेरा वेट है विच 46 kg, तो अगर आपका हाइट एंड वेट सेम है देन यू कैन ऑर्डर दिस कुर्ता। अनदर कुर्ता आई विल से दिस वन आफ्टर ट्राई आई डिड नॉट लाइक इट मच, बट इसका फिट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियोज में ये थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे कमर से, और इसका जो साइज है अगेन इट इज यूज, तो अगर आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर से छोटी है तो आप इसे ऑर्डर ना करें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। और मैंने खुद इसको इस तरीके से फोल्ड करके पहना। तो ये रहा वो कुर्ता। सो कुर्ता का जो कलर है एंड द पैटर्न इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट पहनने के बाद जो साइज जो मतलब पहनने का जो फिट का मुझे लग रहा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट आई एम नॉट गोना रिटर्न इट, क्योंकि इसे मैं ट्राई करूँगी कि अगर ये थोड़ा बहुत फिटिंग कराने के बाद अगर ये अच्छा फिट हो जाता है देन आई एम कीपिंग इट। इफ आई टॉक अबाउट दिस चिकनकारी कुर्ता देन आई डिड नॉट लाइक द फिट, इट इज़ रियली ह्यूज, स्मॉल साइज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ मीडियम साइज। तो अगर आपका साइज एंड माई साइज इज सेम देन डू नॉट ऑर्डर दिस साइज। आई विल सी कि इसमें अगर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज अवेलेबल होता है देन आई एम गोना ऑर्डर इट, अदरवाइज आई एम गोना रिटर्न इट, क्योंकि इसका फिट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्या अच्छा नहीं आ रहा है। और ऑल दो फैब्रिक एंड एवरीथिंग इज गुड, तो अगर आपकी हाइट 153 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और अगर आपका वेट 46 kg से ज़्यादा है, लाइक 50 प्लस है, देन यू कैन ऑर्डर दिस कुर्ता, इट इज़ गुड। बट फिट के हिसाब से इफ आई एम सेइंग देन ये मुझे फिट में बहुत अच्छा नहीं आया है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम रिटर्निंग दिस। तो गाइस ये था कंप्लीट रिव्यू अबाउट दिस नायका परचेज, और जो जैसा मैं बताऊँ तो मुझे 60-40 है, मतलब 60% मुझे अच्छा लगा है, 40% मुझे थोड़ा फिट के लिए अच्छा नहीं लगा है, या फिर द वे दे हैव स्टिच्ड ऑल दोस कुर्ता वो मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा और अच्छी तरह से अगर ये स्टिच होता फिटिंग में अच्छा आता तो ये और अच्छा लगता हमारे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस फेस्टिव सीजन में परचेज करें नायका से कुछ अच्छे अच्छे कुर्ते। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी सेफ, बी एट होम।